पूरे डिपार्टमेंट की नाक कटा दी। जिस मुहिम का चेहरा बनाया गया था तुम्हें, ना सिर्फ अपने चेहरे पे बल्कि पूरी मुहिम पे कालिक पोत के रख दिया पुसिंग। एग्जैक्टली सर, ये आदमी पुलिस महकमे पर एक धब्बा है, पान की पीक है, कोयले की कालिक है। और चुमलाल 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 मेरे दूध चुमलाल। बेनी, अपने दोस्त की जमानत करने की कोशिश भी मत करना। ये फटाके फोड़ने के लिए अरेस्ट किया गया है और कोई बेल नहीं होगी। पता है सर। तो क्या शाम की महफिल यही जमाने का इरादा है? अब क्या महफिल सजेगी, क्या महफिल जमेगी, जबकि मेरा दोस्त जेल के अंदर है, वो भी उस गलती के लिए कमिश्नर साहब, जो गलती उसने की नहीं। क्या मतलब? दरअसल कमिश्नर साहब, हप्पू जो है ना, मेरा दोस्त बेगुनाह है, असली असली मुजरिम हम है, हम स्वयं। बेनी, ये गोली कहीं किसी और को देना, तुम शक्ल से तो मुजरिम नहीं लगते हो। शक्ल से तो आप भी कमिश्नर नहीं लगते है? क्या मतलब? मतलब DIG लगते हैं आप है? मजे ले रहा, आपके हाथ दे रहा, ताली दे रहा है, बताइए। नहीं कमिश्नर साहब, देखिए क्या है ना, बचपन में हम जब कूद के किसी और के घर जाते थे और उसके पेड़ से फल तोड़ते थे, और तो फिर चोरी हमने की, लेकिन कान जो है ना चोमूलाल के बैठे जाते थे। इस बार भी कमिश्नर साहब, रॉकेट हमने छोड़ा और पकड़ा गया, ये इल्जाम इसके सर पे आया, इसको आपने जेल में डाल दिया। वाह, कस सफाई से झूठ बोल रहा हूँ ससुर। बेनी, जितना मैं हप्पू को जानता हूँ, ये फंसाने वाला आदमी है, फंसने वाला नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप, लेकिन सर मैं बताऊँ, दोस्त एक नंबर का है, मतलब जान दे सकता है, बहुत अच्छा दोस्त है, इसीलिए हम कह रहे हैं कमिश्नर साहब, इसने जो है ना हमें बचाने के लिए ये इल्ज़ाम अपने सर पर ले लिया है, और यही जो गम है ना सर, हमें अपने आप खाया जा रहा, हमसे रुका नहीं जा रहा है, आप प्लीज़ कुछ करिए। बेनी, तुम कहते हो कि रॉकेट तुमने छोड़ा, हप्पू कहता है कि उसने रॉकेट छोड़ा, अब कौन सच्चा कौन झूठा, ये बड़ा कन्फ्यूजन हो गया है। अब तो एक ही ऑप्शन बचा है जी, हाँ। नहीं दोनों लॉकअप में। जब तक CCTV की फुटेज नहीं आ जाती है, तुम दोनों लॉकअप में रह के फ्रेंडशिप खेलोगे। हैप्पी दिवाली, आओ मरो। कट्टो कट्टो, दिवाली सर पर है, लेकिन हमारे सर का टेंशन नहीं जा रहा है। हप्पू अभी तक जेल में है। अरे बाको छुड़ाने की प्लानिंग चल रही है, तुम BP ना बढ़ाओ। तो BP की बात कर रही हो, मेरा अंग अंग भड़क रहा है, लगता है ये दिवाली नहीं मनेगी। अरे सुब सुब बोलो, बी पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। यार बचा गए बचा गए। दादी, अरे जे टाइम पे, अरे कहाँ होगा वो? तुम्हारे चेहरे निचड़े हुए नींबू से काहे लटकेंगे? वो एक्चुअली बात ऐसी है कि बोल बेटा। दादी रितिक आपसे ये कहना चाहते हैं कि हर बार की तरह इस बार भी फसाद की जड़ यही है। ना ना बेटा, देख आज तक मानते हैं कि तूने इतनी शैतानी करी, हमारे खानदान का नाक कटवाओ, पर बेटा पहली बार तूने कोई गलती ना करी। नहीं दादी, इस बार भी मेरी ही गलती है। वो जो रॉकेट वाली जो कंप्लेन आई थी ना, वो मेरी वजह से आई थी। वो रॉकेट मैंने ही चलाया था, और पापा ने सारा इल्जाम उनके सर पे ले लिया मुझे बचाने के लिए। ना ना बेटा, ने कहा भाई जे तो माँ बाप को फर्ज होता है कि अपने बच्चन पे आँच ना आने देते हैं। लेकिन दादी अब ऋतिक बदल रहे है, मतलब वो और ज्यादा मतलब ही ना बनना चाह रहे है। जी जी, सोच सोच के जी और ज्यादा शर्मिंदा ना होना चाह रहे है। हाँ दादी, एक्चुअली मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। मैं एक काम करता हूँ, अभी की अभी जाता हूँ थाने और सबको सच सच बता देता हूँ कि पापा की कोई भी गलती नहीं है, रॉकेट मैंने चलाया था, मैं जा रहा हूँ। नहीं कटो, नहीं नहीं, रितिक को मना करो, अप्पू घर आएगा और ये जेल में जाएगा, बिना पोता के दिवाली कैसे मनाऊंगा मैं। ना ना बेटा, तेरे दादाजी कह रहे हैं कि
पोते के बिना दिवाली ना मनाएंगे वो। दादी क्या ही फर्क पड़ता है, वैसे भी पापा के बिना तो मजा नहीं आएगा ना दिवाली में। मजो तो आएगो, अरे हम पे भरोसा रखो, तुम्हारी दादी प्लान कर रही है, तुम्हारी मम्मी आज जो मासी है ना बा को जेल में भेजेगी और उन बेनिया को और हपुआ को छुड़वाएगी। हाँ तेरी दिवाली के चक्कर में तूने मेरा दिवाला निकाल दिया, भिजवा दिया ना बेनी को जेल। यार बिन्नू तुम जरा सी मदद का मांग ले, तुम इतना हो हल्ला कर रही हो जैसे जायदाद लिखवा ली हमने तुम्हारी। जरा सी मदद, तू एक कटोरी चीनी लेने नहीं आई थी जो मैं तुझे खुशी से दे देती? 80 किलो का आदमी दिया है, लपेट लिया जीजू ने। अरे यार बिन्नू तुम पहले तो शांत हो जाओ, तुम ऐसे रिएक्ट क्या कर रही हो, हमें ज्यादा दुखी होना चाहिए। पिताजी की आखिरी दिवाली है, हम सबके संग मनानी आती और तुम्हारे जीजू हवालात में पड़े, तुम्हें पता हमें कितना दुख हो रहा है। ये जीते के थानेदार है उतना ही हवालात में आरोपी जैसे बंद है यार, और तुम लोगों की लड़ रही हो, लड़ने का वक्त है तो क्या करने का वक्त है, ताश खेल ले चला जा। ए भगवान क्या करें हम इस लड़की का, शांति मन से पहले सोचो, कछु जुगाड़ करते हैं ताकि बेनी और जीजू तुम्हारे बाहर आ सके, जो सोचो। एक काम करते हम दोनों हवालात के पीछे जाते, मस्त सुरंग खोदते और दोनों को बाहर निकाल लेते, क्या बोलती है? बिन्नू तुमने ना जिंदगी में पहली बार इतनी समझदारी की बात करी है, बेनी प्रसाद एलएलबी का असर होगा है। मतलब तू सच में सुरंग खोदेगी? हाँ नहीं सुरंग तो खोदेंगे लेकिन हवालात में नहीं, जी मनोहर के दिमाग में। अच्छा यार, अरे यार नहीं चलो। बिल्लू होल्ड ऑन, सुधर जा। सुधर जा नहीं तो तुझे अंदर करवा दूंगी। देखिए बहन जी आप दोनों लड़ क्यों रहे हैं? मनोहर इसके बीच में कूटेगा, हर घर की एक कहानी है ससुर। ना कूटे तो हम ही कूट देंगे। ये मेरी बहू है, दुखी कर रखा है हवलदार साहब, इसे अंदर कर दो। हाय रब्बा, उस हिसाब से ना तो आपको ना उम्र कैद होनी चाहिए। देख देखा 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 हवलदार साहब, ऐसे ही जबान जबान चलाती है ये, इसे अंदर कर दो। वो क्या है ना, हमारे घर वालों ने ना बड़े बुजुर्गों पे हाथ उठाना सिखाया नहीं है। देखा आपने हवलदार साहब, इस दिन देखना बाकी था धरती माँ, फट जाओ तुम, मैं समा जाऊँ फट जाओ। माँ जी आप क्या कर रही, प्लीज आप उठ जाइए, प्लीज उठ जाइए, आइए उठ जाइए। धरती माँ को ना शांति जी शांति, कलेश नहीं, आप ना ऊपर ठीक है। एक्सक्यूज मी लेडीज, प्लीज प्लीज काम डाउन काम डाउन, आखिर हुआ क्या है? आप ना मेरी आंखों में झांक को दरोगा साहब। दरोगा? आई एम दरोगा। झांका? यस यस यस। क्या है ना, एक दिन ना रोटी की जगह ना पराठे बना दिए, उसमें घी ज्यादा डाल दिया, तो पता है मेरी सास क्या बोली? क्या? घी ज्यादा खाने से ना अटैक आ जाता है, अटैक। अरे मैं तो एक बार में 10-15 फेल जाता हूँ, फिर भी मुझे आज तक अटैक नहीं आया। आपको क्या हुआ? हाँ? आपको क्या हुआ? अटैक आने वाला था। ऐसे है बलदार साहब, ये पराठे सेकती कहाँ, ये तलती है ऐसे तेल में तलती है, ये चाहती नहीं कि मैं इस धरती पे टिकी रहूं, ये चाहती कि मैं मर जाऊं, ये मेरी धन दौलत लेके फुर्र हो जाए। आप पहले शांत हो जाइए, प्लीज शांत हो जाइए। अरे काय को सॉली घुइया की खेत में सॉली। अरे लड़न दे छोकरा पकड़ो, मजो आ रहा हूँ। बहुत बढ़िया तुम ना इससे इनके झगड़े से ना रहा, खून भी उबाल मार रहा, एकदम झोटे पकड़ के खींच लो, करो मान लो। चलो अब तू ले ली।
आप इसे अंदर नहीं डालेंगे तो मैं ही अंदर डालूंगी। हटिए आप। अरे माँ जी बहन जी क्या कर रही हैं? चाबी, ओह माय गॉड, ये चाबी कहाँ से आई? देखिए मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ, लेकिन आप झगड़ा मत कीजिए। मेरे देश प्रेमी हो, आपस में प्रेम करो, झगड़ा मत करो। बाय बाय मनोहर, तो कितना भला इंसान है, आज तूने दो झगड़ालू औरतों में सुलह करवा दी। देखा आपको, कुछ सीख मेरे से, सुना? Hey bro, my bro, please take one diya, one get one free. This is very, see, different kind of quality, very attractive color. ये वाला? ये तो मुगले आजम उसके जमाने के हैं, 1,000 rupees. 1,000 rupees? इतना महंगा? क्या महंगा? कुछ महंगा नहीं है. सलीम, सलीम, give her lover, girlfriend, whatever. अनारकली को, अनारकली take this diya. After this diya. अनारकली को दीवार में चिनवा दिया था इस दिए के साथ। दिया मैंने निकाल दिया, अनारकली का पता नहीं। अच्छा हाँ, तो ये दिए तुमने निकाले हैं अलग अलग खुदाई करके? जी बिल्कुल, मैंने खोदे हैं। अबे झूठे, ये दिए सब नकली हैं। क्या फालतू, ए हाथ छोड़, क्या फालतू बकवास है, ये दिए मैंने खोद कर निकाले हैं। बेटा हम यही काम करते हैं, छानबीन करते हैं पूरी इसकी, पता लगाते हैं कौन सी चीज कितने साल पुरानी है, समझ में आया? तभी तो पेपर में आता है, किताबों में आता है कि ये इतनी साल पुराना ये मिला, इतना साल पुराना ये मिला। समझ में आया हम कहां से हैं? कहां से? हिस्टोरिकल सर्वे ऑफ इंडिया। वहां से? हाँ। ओ माय मम्मी। ए भाई सॉरी। तू तो गया बेटा। सॉरी सॉरी। हवलदार साहब यहाँ आइए। ए अरे इन्हें पकड़ो, जेल में डालो, लेके जाओ। अरे ये दिए देखो, ये नकली दिए को इतिहास का धरोहर बताकर बेच रहा है, उल्लू बना रहा है लोगों को। चल अला फ्रॉड कहीं का मिला। अरे वो चुड़ैल तो उसके बाल जल गए, आईने के सामने बैठी है, शाम को मिल गए। सुनिए सुनिए, हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो। एक की जगह दो दो मुजरिम हवालात में है, लेकिन जिसने मेरे बालों का ये हाल किया उसका अभी तक पता नहीं चला। डार्लिंग डार्लिंग तुम्हारा डर तो देखो, एक की जगह पे दो दो लोगों ने गुनाह कबूल कर लिया। पर मेरा बदला किससे लोगे? पता है उस दिन मैं बाल बाल बच गई। यही तो अफसोस है। क्या? नहीं बड़े अफसोस की बात है कि तुम्हारे इतने खूबसूरत बाल जल गए। लगता है बाल मेरे चले हैं, लेकिन सदमा आपको लगा है। बिल्कुल, तुम्हें दर्द में देख के मेरा रोम रोम खोल उठा। ज्यादा बनो मत, उस दिन तो बड़े मजे ले लेकर मेरे बालों का मजाक उड़ा रहे थे। फोन 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 फोन। हेलो डार्लिंग। मैं तुम्हें नहीं अपने अपनी डार्लिंग से कह रहा हूँ। डार्लिंग एक कप चाय बना दो। हाँ हाँ बोलो बोलो मनोहर। सर हप्पू और बेनी लॉकअप से फरार हो गए सर। व्हाट? वो भाग गए और तुम क्या अंडे छील रहे थे? नहीं नहीं सर, आपको तो पता है हप्पू सर कितने शातिर चालाक और लोमड़ी टाइप के इंसान हैं। वो तो कई बार आपको भी पानी पिला चुके हैं सर। इस बार पानी मैं पिलाऊंगा, दौड़ा दौड़ा के भिगो भिगो के मारूंगा, डोंट वरी। चींटी की दौड़ चीनी के डब्बे तक। अम्मा हमें ना डर लग रहा है, कमिश्नर साहब इतने आ गए तो। अरे वो ये सब पाला एक नंबर को गधो है वो। अरे हम है ना, हम उसको यूं मिनटों में टरका देंगे।
बच्चों चलो 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 नाटक शुरू कर दो, नाटक शुरू कर दो। पापा कब से अंकल आई? आई से बेटी, आई से बेटी, बेटी। पापा। कमिश्नर साहब, दरोगा जी कैसे? ठीक तो है ना? ये तो आपको पता होगा राजेश, क्योंकि बेनी और हप्पू दोनों जेल से फरार हो गए हैं। क्या? 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 दोनों जेल से फरार हो गए हैं। नहीं कमिश्नर साहब, आपके नाक के नीचे से दोनों अपराधी भाग गए। अरे कमिश्नर, तुम इतने बेकार और नाकारा और नालायक किस्म के अफसर थोड़ी हो कि तुम्हारे नाक के नीचे से दो कैदी फरार आ जाएंगे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लोग कुछ तो मुझसे छुपा रहे हो? दाल में कुछ काला है, मैं खुद पता लगा लूंगा। अरे बैठो चाय। अरे उधर, अरे रुको रुको उधर। आप तो कह रही थी कि हप्पू नहीं है, तो फिर हप्पू के कमरे में कौन है? ये दरवाजा बंद क्यों है अम्मा जी? चटकनी खराब है कि अपने आप ही बंद हो जाती है? अभी 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 बताता हूँ कैसे खराब है। कौन है? वो अंदर ही है अम्मा जी। आपका घुस जाओगे? नटखट। तुम भी हो मैं भी हूँ, पासा हो तो कह दो, आखिर क्यों पल में यूं दीवाना मैं हो गया। आपकी बेटी हपुंदरी। हपुंदरी? लो अपनी बेटी हपुंदरी को ही भूल गई, अब हमें बुरो लग गओ। हपुंदरी हमारी बेटी कैसे भूल सकते? इतने को। एक मिनट, आप सरप्राइज क्यों हुई? वो हमने अचानक से ना अम्मा को धप्पा बोल दो। हाँ। धप्पा? धप्पा। हपुंदरी भाभी, भाभी। बहुत बढ़िया आइडिया निकालो तुमने। झुमके हमारे कहाँ से पहन लिए? झुमका नहीं मिल रहे थे हमें, 6 घंटे से ढूंढ रहे, कमर टेढ़ी हो गई। पहली बार भाभी और ननंद में इतना प्यार देख रहा हूँ। हम भी पहली बार ही देख रहे हैं। नहीं मतलब जे कभी कभी ऐसे मुलाकात होती है ना, बहुत दूर रहती है जीजी। एक मिनट। जीते भागो भागो आ रहो। बोलो। तुम्हारी शक्ल जो है हाँ। वो हप्पू से बहुत मिलती है। तो भैया 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 है ना, मैं हमारी शक्ल भैया से ना मिलेगी तो वो का मनोहर से मिलेगी। तुम मनोहर को कैसे जानती हो? बताओ भैया। भैया ने हमें बताई थी। हमें तो और तो और आपको भी नाम मालूम है। मेरा भी नाम मालूम है। अच्छा बताओ मेरा नाम क्या है? रेशम पल्ला। वल्ला। गिर गए। खड़ा हो गया। अरे बेटी हपुंदरी थक गई होगी, चल आराम कर ले। हाँ। अरे रेशम पाला,
हपुआ आएगा ना घर, तो सबसे पहले तो को हम फोन कर देंगे। तो अभी तुम निकलो निकलो, चलो हमें अपनी बेटी से गपियानो है, बातें करनी है, चाय साय पियेंगे, गप सप करेंगे, निकलो, बाय बाय, टाटा, सी यू। तो हम भी आज चाय पी के ही जाएंगे, ये वाली चाय तो हम जरूर पियेंगे। अब हम चाय बना के लाते हैं। एक काम कर रहे हैं, आप लोग बैठ के बातें करो, हम आपके लिए चाय बना के लाते हैं। बैठो, चाय पी के जाइयो। अरे अरे, देखो देखो कितने गाँव है, नाच पीटो। हाय बपैया अम्मा, हमारे दरोगा जी की इज्जत अब खतरे में लग रही है हमें।